गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज दिन के बज रहे हैं 12 और बहुत ज़्यादा ही आज नुकसान हो चुका है। और अभी आपको दिखाते हैं क्या नुकसान हुआ है। तो गाइस, ये जो हमारा फिश टैंक था, इसका पानी बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया। पता नहीं किस वजह से आज हमारी चार चार मछलियाँ मर गईं। एक ये रही और एक ये रही, एक ये रही और एक नीचे, पता नहीं किस लिए मरी। ऑक्सीजन नहीं चल रहा था इसलिए, इसू है ऑक्सीजन की वजह से लग रहा हो गया मेरे को। हम सोच रहे थे कि आप लोग के साथ वीडियो शेयर करेंगे इसका पानी चेंज करते हुए, पर ये देखिए क्या हो गया। गर्मी की वजह से भी हो सकता है, मे बी एक एक साल दो दो साल की मछलियाँ हो गई थी। ये सब छोड़ के जा चुकी हैं हम लोग को, पर कोई नहीं। आज हम पूरा वाटर चेंज करने वाले हैं पानी। हमें ज्वाइन कर चुकी है प्रांसी। हाय प्रांसी, दुख के साथ में आज ये वीडियो शूट करेगी, अकेले तो हो नहीं पाएगा। ऐसे हम लोग 50% वाटर चेंज करते थे, इतना पानी निकाल के फिर इसमें भरते थे। आज इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से लेके पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो गाइस, ये मग्गा हम ले आए, इसमें अभी जो हमारी मछलियाँ डेड हो गई हैं, जो हमें छोड़ के जा चुकी हैं। हाथ से निकालो ना। हाँ, हाथ से ही निकालो, उनको हम निकाल लेंगे। ये थी हमारी मछली, बहुत ही खूबसूरत, ये भी ख़त्म। एक ये मछली थी हमारी, ये भी जा चुकी है अब। एक ये थी ब्लैक मोर, ये थी, चार चार मछलियाँ हमारी ख़त्म हो गई। अभी इनका अभी इनको अभी दफना देंगे हम लोग जाके। अभी इनका पानी चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। किसको दे दें मछलियों को? कुत्ते को दे दें? मतलब दो दो साल की पाली हुई मछलियाँ कुत्ते को दे दें? खाएगा तू? खाएंगे नहीं तो इसको दफनाएंगे ना कि फेंक दे इसको, कुत्ते को दे देंगे। नहीं, दफना दे। दो दो साल की मछलियाँ हमारी मर गई, तुम लोग कह रही हो कुत्ते को दे दें। पानी हमारा निकल चुका है सारा, अभी इसको हम लेके जाएंगे बाहर। इसका सारा पत्थर जो है, ग्रेवल्स जो भी हैं, इसको भी निकाल, इसको पहले निकाल के फिर अच्छे से इसको क्लीन करेंगे। सब गंदा हो रहा है आज, देख रहे हैं ये गंदा हो रहा है सारा, इसको क्लीन करेंगे अभी। एरियल, इससे अभी हम पूरा एक्वेरियम वॉश कर लेंगे। मिलते हैं आपको वॉश करने के बाद में। रोके गाइस, फाइनली हमारा एक्वेरियम तो धुल चुका है। और अभी जो कुछ भी पानी वानी भर के दिखाएंगे, डेकोरेशन वगैरह कुछ करेंगे, कुछ कुछ थोड़ी बहुत डेकोरेशन करके। मिलते हैं आपसे बाद में, अभी सब कुछ तो नहीं दिखा पाएंगे वरना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मिलते हैं आपसे पानी भरने के बाद में।
तो गाइस ये सॉल्ट, और अगर आप अपनी मछलियों का पूरा पानी चेंज कर रहे हैं तो सॉल्ट डाल दिए, क्योंकि मछलियों को खारा पानी पसंद होता है। इस वजह से हम लोग 2 चम्मच डाल दिया है मैंने, 1 चम्मच मैंने पहले डाल दिया, 1 चम्मच मैंने सोचा आप लोग को दिखा के डालते हैं। आप लोग भी ऐसे ही डालिए, आप लोग का जितना बड़ा साइज़ हो एकोरियम का उस हिसाब से डालिए। वैसे तो वो सेंधा नमक आता है जो पत्थर टाइप का होता है, वो डालना चाहिए अगर आपके पास नहीं है। मेरे पास तो नहीं है तो हमने ये वाला डाल दिया, अगर आप लोग के पास है तो आप लोग वही डाल सकते हैं। ओके, इसको दिखाओ जरा। तो गाइस अब हम लोग के पास कहाँ 9 मछलियाँ होती थी बड़ी बड़ी, अब सिर्फ 5 ही मछलियाँ बची हैं, इनको भी डाल देते हैं इसके अंदर। और हो सकता हो कल हम लोग मछलियाँ लेके आए हैं। पास करना इधर। तो गाइस अभी हमने मछलियों को रिलीज कर दी अपनी वाटर में। आप अब हम चलते हैं, 1 सेकंड। तो गाइस ये जो हमारी मछलियां मर गई थी इनको भी अब हम दफना देंगे, और यही दुआ करेंगे कि अच्छी रहे, बस अब इनको जन्नत नसीब हो, इनको दफना देंगे फिर हम लोग। बोल चले मछलियों को दफनाने। चलो फिर आप क्या करें, कहाँ पे दफनाएंगे, मैदान में? हाँ, ग्राउंड में चलेंगे दफनाने। तो इसको किस में कर ले, पहले पन्नी में कर ले कोई, कागज में कर लो तो सही रहेगा। ठीक है, कागज में तो फट जाएगा ना गीला होके पेपर, पन्नी में रख लेते हैं। पन्नी देना, तो एक पन्नी ए है पन्नी, इकट्ठा आ जाएंगे ना पन्नी में। ये रही पन्नी, अरे पन्नी के अंदर डालो ना, अंदर डालो ना, हल्की हो के। अच्छा, ओहो जिंदा है। ये रही हमारी 2nd मछली, ये 3rd, ये रही लास्ट 4। चलो लेके चलते हैं। सलोनी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया ये देने के लिए, ये ना होता तो हम लोग गड्ढा ना खोद पाते। थैंक यू सलोनी। गाइस आज यही वीडियो है, आज बड़ा सैड मोमेंट था हम लोग के लिए, हम लोग की 4 फिश हमें छोड़ के जा चुकी हैं। अब नई फिश लाएंगे कल, हो सकता हो हम नई फिश लेके आए। मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।